आदेश आदेश जय माँ कामाख्या, कृपा करे लाडली कामाख्या माता सभी के ऊपर, सभी को हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया प्रदान करे, सभी के जीवन में रंगत उमंगत लाए, सभी के ऊपर जो है माँ भगवती कृपा करे। आज कामाख्या मैया की पूजा का जो है विहग्र पूजा का जो समय है वो चल रहा है। विहग्र पूजा पता है क्या होता है? जैसे कि आज हमने जो है शो किया था आप सभी को बताने के लिए कि इस प्रकार से माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या की जो है विहग्र पूजा होती है। प्रथम दिवस पर जिस समय माता महामुद्रा में जाती है उस समय हर प्रकार की शक्तियाँ डाकनी शाकनी वर्णिनी योगिनी सब अपने अपने स्थानों पे जो है विद्यमान हो जाती हैं, सब जो है माँ की आराधना में लीन हो जाती हैं। हर प्रकार का प्राणी मात्र जीव जंतु पुरुष स्त्री नरोवा और साधक अपनी तंत्र साधनाओं को जगाने के लिए माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या की आराधना पे जो है आतुर हो जाते हैं। वो माँ भगवती कामाख्या के इस महास्वरूप की पूजा पद्धति को आरंभ कर देते हैं, जिसमें साक्षात देवी जो है प्रत्यंगिरा मुद्रा में भगवान शिव के जिस प्रकार जैसे छाती के ऊपर पाँव रखती है उसी प्रकार जो है शमशान में आरूढ़ हो जाती है शमशान वासिनी। तो शमशान से जो है भगवती को जो है असीम जो है संबंध रहा है, और शमशान भूमि में जब भी कोई क्रिया की जाती है इस प्रकार की, क्योंकि अभी जो है शमशान के अंदर यज्ञ करने का विशेष फल प्राप्त होता है, शमशान भूमि ही ऐसी भूमि है जहाँ पर जो है इस समय जो है साधना करने से जो है आपको 10 गुना जो है फल प्राप्त होता है, जो कि अम्बुबाची पर्व पर जो है शो किया जाता है। इस समय में जो पूजाएं की जाती हैं, जो तंत्र सिद्धि की जाती है और जो भगवती को जो है प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसका फल आपको 10,000 गुना प्राप्त होता है। तो जो शाक्त साधक काफ़ी समय से माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या की जो है साधना के क्षेत्र में आतुर थे, जिनको हमने बताया था जो 9 तारीख से लगातार जो है तपस्या में बैठे हुए थे, उनको फल प्राप्ति करने का जो है एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम जो है शमशानी पूजाओं को आप लोगों के सामने ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये भूमि जो शमशान की है यहाँ पे जो है ये चीज़ें शो करना ठीक नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र की अपनी एक मर्यादा है। ठीक, यहाँ पे जो है माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या का जो स्वरूप है वो महातत्व स्वरूपिणी है, अर्थात यहाँ पे भगवती अपने जो है असल स्वरूप में विद्यमान होती है। शमशान में कोई भी भयावह वाला जो है माहौल नहीं होता। हम यहाँ पे अपनी पूजाओं को हम शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शमशानी पूजाएं संसार में प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं अपितु जो है अपने समस्याओं को दूर करने और अपने इष्ट और अपने गुरु की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो जहाँ तक मतलब पूजाओं को शो करने की लिमिट है वहाँ तक हम आपको बताते हैं, बाकी जो मतलब क्रियाएँ जो होती हैं क्रियाओं को हम आप लोगों के सामने अधिक शो नहीं करते हैं। यही कारण है इसका कि कामाख्या देवी की जो है असल पूजा जो पद्धति है और जो शमशान के अंदर जो पूजा पद्धति के अनुसार जिस पद्धति से माँ कामाख्या की जो है पूजा की जाती है उस पद्धति में रह करके जो है साधक अलग अलग प्रकार की साधनाओं को चंद समय में या चुटकियों में प्राप्त कर लेता है। तो ये समय है अपनी सिद्धियों को जगाने का, बोलते हैं भूत प्रेत जगाने का, जो है डायन डाकनी शाकनी सिद्ध करने का, शमशान जगाने का, मुर्दे उठाने का, मोट चलाने का, कृत्या चलाने का, इन सब को सीखने का, सिद्धि करने का और इनकी तंत्र की काट करने का। क्योंकि इस समय पर प्राप्त की गई कोई भी सिद्धि होती है, कोई भी साधना होती है, वो जो है सिद्ध जाती है। भले आप एक दिन के लिए भी कोई साधना करते हैं तो भी वो साधना आपकी सफल जाती है इस समय। और यदि आप इस समय जो है यदि साधना जो है यदि आप जो है करते हैं माँ भगवती की, चाहे भले आप कोई भी साधना कर रहे हैं, भले साधना नहीं कर रहे हैं, भले आप मंत्र जाप कर रहे हैं माता रानी का, भले आप कोई पूजा कर रहे हैं, फिर भी माता रानी की कृपा से उसका फल आपको 1,00,000 गुना प्राप्त होता है। तो यह बात जो है जीवन में कभी मतलब भूलिए मत कि जो है माता रानी आपके पास नहीं है, माता सदैव आपके पास है, आपके साथ है, लेकिन आपको माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या के क्षेत्र पर बढ़ना पड़ेगा, माँ की साधनाओं को तंत्र साधनाओं से जुड़ना पड़ेगा, तब जा करके पता चलेगा। तंत्र ना तो पहले किसी के लिए बुरा था ना अब किसी के लिए बुरा है, बशर्ते बस इसके नियम को यदि ना तोड़ा जाए तो ये आपके लिए कभी हानिकारक नहीं था और ना ही कभी हानिकारक हो सकता है। ये तो लोगों ने इसके जो है असल स्वरूप को बदनाम किया हुआ है, अन्यथा तंत्र तो जो है अपनी असीम शक्तियों को जो है बढ़ाने और अपनी असीम शक्तियों से जो है जगत का कल्याण करने के लिए प्रसिद्ध था किसी समय में, लेकिन आजकल तो इसकी सेकेंडरी में शो की जा रही है। खैर, बताते हैं आपको कि आज एक विशेष उपाय जो शमशान में आप लोग कर सकते हैं। अगर जो साधक इन समय में शमशान साधना करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, गुरु तो है नहीं उनके तो साधना कैसे सिद्ध होगी, लेकिन अगर चाहते हैं कि शमशान वासिनी की कृपा उनके ऊपर बन जाए, क्योंकि माँ तो माँ है, चाहे भले वो शमशान की हो भले मंदिर की हो, माँ तो माँ है ना, तो
उसकी कृपा किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो उसका विधान हम आपको बताते हैं। आपने यंत्र का निर्माण करना है, शमशान भूमि में चले जाना है आपने, आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन, क्योंकि ये तो माँ का समय चल ही रहा है इस समय, तो उस शमशान भूमि में जा करके आपने, मतलब जो है, जैसे शमशान भूमि आपको दिखाई दे रही है चिता की राख से जो है चारों तरफ, मतलब ये सफ़ेद हुई पड़ी है ना, तो ऐसे चिता की राख के बीच में ना आपने जो है जा करके आसन लगाना है माता रानी का। वहाँ पे आसन लगाने के पश्चात जो है उस आसन आसना को या तो आप काले रंग का रख सकते हैं, लाल रंग का रख सकते हैं, जो मतलब जिस तंत्र कुल से या जिस तंत्र परिवार से हो वो कोई विशेष नहीं है, तो वो आसन लगाना है। आसन लगाने के पश्चात आपने अपने सम्मुख जो है माता काली के चित्र को आपने अंकित करना है, मतलब चित्र सामने रखना है, उस चित्र के सामने आपने कड़वे तेल का दीपक लगाना है, समझे, कड़वे तेल आपने जो है दीपक जो है वो लगाना है आपने उसके सामने, और कड़वे तेल का दीपक लगाने के पश्चात उसके सामने आपने धूप अगरबत्ती और साथ में जो है मांस मदिरा और जो बोलते हैं मत्स्य वगैरह जो है ये सब आपने जो है भगवती को समर्पित करना है। भगवती को मदिरा की धार देनी है आपने, मिष्ठान का भोग देना है माता रानी को, ठीक, और सामने जो है शमशान का जो कोयला है उससे उठा करके उस यंत्र का निर्माण करना है अपने भोजपत्र के ऊपर। अपने अनामिका का रक्त जो है वो अपने शमशान भूमि में जो है उसमें मिलाना है, उसके सामने मंत्र जाप करना है, ओम क्लिंग क्लिंग क्लिंग। याद रखिए हम यहाँ पे जो है बीज अक्षर बोल रहे हैं ना वो सुन लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे आज कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक, स्त्रिंग स्त्रिंग रुंग रुंग शमशान वासिन्य स्त्रिंग 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 रुंग फट स्वाहा। ये मंत्र है, ये शमशान वासिनी को अति प्रिय है, तो शमशान की अधिष्ठात्री देवी जो होती है वो मूल रूप में शमशान काली शमशान तारा इनको बोला जाता है, तो शमशान वासिन्य बोल करके जो है मंत्र को बोलना है और मंत्र का जाप करना है, अधिक से अधिक, कोई संख्या नहीं, अपना घेराबंदी कर लेना है जो भी आपको मिला हो आपके गुरु के यहाँ से, गुरु परिवार से जो मंत्र मिला हो, या फिर अगर वो ना मिला हो, सुरक्षा मंत्र ना मिला हो, तो गुरु मंत्र मिला हो उससे घेराबंदी कर सकते हैं। भैरव देवता का भोग दे करके, थोड़ा माँ भगवती शमशान वासिनी को भोग दे करके चिता के कोयले से हवन कर सकते हैं आप, जैसे हमने जो है यहाँ पे यज्ञ किया है चिता के कोयले से ही हमने किया है, तो चिता से अग्नि लेकर के लकड़ी लेकर के उससे आप यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करने के पश्चात आप साथ साथ आपका यज्ञ भी निकलता रहेगा, आहुति देते जाइए साथ में उसी शमशान में, सामने यंत्र को रख करके और भोग वगैरह चढ़ा करके रात्रि काल का निकाल दीजिए अपना, एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाएगा। अगले दिन मार्जन कर दीजिए, उसके अगले दिन तर्पण कुमारी पूजन जो है विहग्र के समय कर दीजिएगा, जिस समय माता महामुद्रा से बाहर आएगी और जिसको जल प्रवाह कराइएगा या शमशान में छोड़ाइएगा उसके बाद, या तो जो आसन होगा। और माला का हमने अब नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे जो है संख्या का कोई विशेष नहीं है, क्योंकि ये समय जो होता है थोड़ा करने पे अधिक फल मिल जाता है, तो संख्या का नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि इतनी जो है आमुख संख्या में आप करिए, जितना अधिक हो सके उतना करिए, बस इतना बोल देते हैं आपको, जितना करेंगे उतना आपके लिए फलदायी होगा, उतना फ़ायदेमंद होगा, तो करते चले जाइएगा माता रानी की कृपा से। फिर देखिए चमत्कार माता का, ये वो लोग कर सकते हैं जिनके गुर्दों में दम हो, ठीक है, हर कोई मतलब बच्चा नहीं कर सकता कि कोई भी मुंह उठाया और शमशान में जाकर के बैठ लिया, वहीं के वहीं मतलब रख लेंगे वहाँ की चीज़ें, समझे, किसी गुरु परिवार से अगर दीक्षित हो तो कर सकते हो, अन्यथा इस चीज़ के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि शमशान वासिनी शमशान वासिनी ही है, समझे, तो ये मत भूल जाना कि वहाँ के कुछ नियम हैं, क्योंकि नियम नहीं जानते वहाँ के, वहाँ के नियम को तोड़ा वहाँ की चीज़ें तुम्हें मार डालेंगी, स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। तो गुरु परिवार से दीक्षित होना पड़ता है, किसी से शमशान की जो है दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है, फिर जा करके कर सकते हो कुछ भी, जो कुछ करना है तुमने, तो यही हमारा कहना है। बाकी जिसने शमशानी क्रियाएँ हमसे सीखनी है उनका जो है हम वेलकम करते हैं, लेकिन उनका जो सीखना चाहते हैं, उनका नहीं जो मेहनत करना नहीं चाहते और जो पका पका हलवा मांगते हैं कि बस हमने जो है चार पैसे दे दिए और जो है हम सीख गए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करवाएंगे भी, करने वाला होना चाहिए, बात यह है। हर किसी को नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा जिनके गुर्दों में दम होगा। पहले हमें अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर देखते हैं, अगर आपके गुर्दों में दम हुआ तो निसंदेह आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, और COVID-19 के बाद नहीं तो जहाँ पे आप क्षेत्र में हो वहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा, वो कोई समस्या वाला बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है साधना किस प्रकार से करवानी है। आई एम टीचर, राइट, एंड आई नोज माई ड्यूटी। सो आप एक स्टूडेंट की तरह आपने बिहेव करना है,
और उसी के तरीके से सीखना है। अगर सीखना हो तो मन को जो है गुरु के चरणों में समर्पित करें, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या।